तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रहे तो वो धीरे से निकल जाएगी। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मई 16, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूं। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हो तो मेरा रेफरल कोड अमन डॉट शर्मा का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले एक सवाल पूछा था, सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिचुएशंस इन विच द प्रेजिडेंट कैन यूज हिज पावर ऑफ सिचुएशनल डिस्क्रिशन। इनमें से कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आपके लिए तीन स्टेटमेंट थी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा C, 1 and 3 ओनली। रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट ड्यूरिंग प्रेजिडेंट्स रूल इन द स्टेट के अंदर प्रेजिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं वर्क करती है। यहाँ पर प्रेजिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह है उसे मानना पड़ता है। आपके लिए आज का सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो साइंस एंड टेक का आज ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन किस चीज़ की डेफिशिएंसी यहाँ पर, कौन सी यहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है। तो नंबर वन है आयोडीन गोएटर, नंबर टू विटामिन सी बोन एंड टूथ डिके, नंबर थ्री विटामिन डी रिकेट्स, कैल्शियम स्कर्वी, और नंबर फाइव आयरन एनीमिया। आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन से हैं। ऑप्शंस हैं A1, 2, 3, B3, 4, 5, C1, 3, 5 या D2 and 4 ओनली। जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, आपको बड़ी खबर मिलती है, इंडियंस ईगर टू कट एल्कोहल इनटेक। एक सर्वे हुआ है जो कि है ग्लोबल ड्रग सर्वे, जो कि एक एनोनोमाइज्ड एक ऑनलाइन सर्वे था जिसके अंदर कुछ क्वेश्चनेयर के बेसिस पे लोगों की कुछ डिटेल से देखी गई, और यहाँ पर ड्रग्स के यूज़ का यहाँ पर कुछ ट्रेंड देखा गया, उनके लिए कुछ यहाँ पे सवाल जवाब थे, और यहाँ पर लोग अल्कोहल लेते हैं किस टाइप से लेते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बातें पूछी गई थी। ये जो सर्वे था, इट इज़ नॉट डिज़ाइन टू डिटरमाइन द प्रेवलेंस ऑफ ड्रग बिहेवियर, ये कि हमारे पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, कैसा ड्रग बिहेवियर है, उनको डिटरमाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर सर्वे नहीं था। बेसिकली ये सर्वे के अंदर हम लोग यहाँ पर बिहेवियर्स और हेल्थ आउटकम्स को यहाँ पर साथ में मिलाकर देख रहे थे, और जिसको बहुत मुश्किल होता है समझना, और यहाँ पर टारगेटेड इंटरवेंशन हो सकें इसके लिए सर्वे कंडक्ट किया गया। यहाँ पर 2018 का एक एडिटोरियल है इन द मेडिकल जर्नल लेंसेट, उसके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत आई है। तो जो ग्लोबल सर्वे है रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ का, यह पहली बार यहाँ पर इसने रिस्पोंडेंट्स को इंडिया से यहाँ पर पिकअप किया, और उसने यहाँ पर यह देखा कि इंडियंस मोर देन फ्रॉम अदर नेशनैलिटीज़ आर सीकिंग हेल्प टू रिड्यूस देयर एल्कोहल इनटेक। इंडिया के अंदर जो लोग एल्कोहल लेते हैं बाकी सारे देशों के मुकाबले, वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, वो हेल्प मांग रहे हैं कि उनका जो एल्कोहल इनटेक है वो धीरे धीरे कम हो सके। एल्कोहल, टोबैको या जो कैनबिस होता है, दे वर द मोस्ट कॉमन स्टिमुलेंट्स यूज्ड बाय इंडियंस। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रिस्पोंडेंट्स को यहाँ पर लिया गया फ्रॉम द 30 कंट्रीज, और इंडियंस को रिपोर्ट किया गया एज बीइंग ड्रंक ऑन एन एवरेज ऑफ 41 टाइम्स इन द लास्ट 12 मंथ्स। कि जो इंडियंस जिनको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, जिनकी यहाँ पे सर्वे लिया गया, कि उन्होंने पिछले 12 महीने के अंदर 41 टाइम्स यहाँ पर एल्कोहल ड्रिंक किया था। बिहाइंड द यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क इन दैट ऑर्डर, बट वेल अबव द ग्लोबल एवरेज ऑफ 33 टाइम्स। ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे देशों से पीछे हैं इस एवरेज में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे पीछे रहना अच्छी बात है, पर यहाँ पर जो ग्लोबल एवरेज है जो कि 33 टाइम्स है इन 12 मंथ, उससे इंडिया का जो एवरेज है वो अभी भी ज़्यादा है, जो कि 41 टाइम्स के आसपास है। इंडियन जो रिस्पोंडेंट्स हैं सर्वे के अंदर, उनको कंडक्ट किया गया ऑनलाइन ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2018, और यहाँ पर ये चीज़ पाई गई कि अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जो 41% जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कम यहाँ पर पीना चाहते थे, दे वांटेड टू ड्रिंक लेस इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2019 में यहाँ पर जो पीना चाहते थे, कम पीना चाहते थे 2018 के मुकाबले। 41% यहाँ पर हेल्प चाहते थे अपनी यहाँ पर जो दारू की लत है, जो एल्कोहल इनटेक है उसको छुड़ाने के लिए, जो कि बाकी सारी देशों के मुकाबले सबसे अच्छी परसेंटेज है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जेन्युइनली इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया के अंदर जो ड्रिंकर्स हैं वो
कंज्यूम कर रहे हैं वो जानते हैं कि दारू पीना या फिर अल्कोहल इंटेक करना उनके लिए हार्मफुल है, ओके, बट फिर भी वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे जिससे ये उनकी जो लत है वो धीरे धीरे हट सके। पेज नंबर 10 पे इसी से ही रिलेटेड एक और खबर आती है, 6% वुमेन ड्रग्स यूज्ड सॉट हेल्प सेज रिपोर्ट। जो ग्लोबल सर्वे ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग है उसने इस चीज़ को भी फाउंड किया है कि 6% जो इंडियन वुमेन है उनको सर्वे किया गया और यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि उनको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वो लोग यहाँ पर सीख कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके आफ्टर यूजिंग द इंटॉक्सिकेंट इन द पास्ट 12 मंथ्स। जो ग्लोबल एवरेज है वो अबाउट 13% है। जो ग्लोबल ड्रग सर्वे है इट सेड नन ऑफ द मेन सर्वेड इन इंडिया रिपोर्टेडली सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, कि जिन मेन को यहाँ पे सर्वे किया गया उनमें से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, पर जब महिलाओं को सर्वे किया गया तो उनमें से 6% महिलाएं मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी कि वो यहाँ पर जो अल्कोहल ले रही हैं जो ड्रग्स ले रही हैं वो उनसे यहाँ पर दूर जा सकें। इंडियन सेड दैट दे एंजॉयड बीइंग ड्रंक ऑन 71% ऑफ द ओकेजन्स। साथ ही इंडियन सर्वेड वर मोस्टली मेल एंड इन द 25 to 35 एज ग्रुप। जिन जो यहाँ पे एक तिहाई का जो सर्वे किया गया उन्होंने यहाँ पे वो क्लबिंग पे गए थे एटलीस्ट 4 times इन द लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हमारे सामने इससे रिलेटेड कुछ खबरें आई हैं, ओके, और यहाँ पे बताया गया कि ओनली 2% सॉट इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर यूजिंग कैनबिस, पर यहाँ पर अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो 51% यहाँ पर सेड दे वांटेड टू यूज लेस कैनबिस इन द फॉलोइंग ईयर। तो एक ये जो पूरी की पूरी सर्वे ये हमारे सामने आया है, तो अल्कोहल हुआ, टबैको हुआ, अपार्ट द मोस्ट यूज ड्रग ग्लोबली वर कैनाबिस, MDMA जिसको XTC भी कहते हैं, कोकेन, एम्फेटामाइन, LSD, ओके, मैजिक मशरूम, तो इन सब चीज़ों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3 पे आपको खबर मिलती है, पेस्ट स्ट्रक मिजोरम्स फार्मर्स हिट बाय लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। यहाँ पर बात की गई मिजोरम के फार्मर्स के बारे में, और मैंने आपको इसी हफ्ते एक न्यूज़ पढ़ाई थी जहाँ पे जिक्र किया था हम लोगों ने फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में। फॉल आर्मी वॉर्म बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है, बट सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें मेज़ के ऊपर देखने को मिला है। फॉल आर्मी वॉर्म जो है वो यहाँ पर जो अमेजॉन बेसिन है उसका नेटिव है, पर धीरे धीरे हमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फैलता हुआ नज़र आया। पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने खबर आई थी कि म्यांमार और बांग्लादेश के अंदर भी फॉल आर्मी वॉर्म के केसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं, और अब इसका इम्पैक्ट मिज़ोरम के अंदर हुआ है जहाँ पर बहुत सारी क्रॉप हमारी ख़राब हो गई हैं। फॉल आर्मी वॉर्म एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, फार्मर्स अच्छे वाले पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर सकें जिससे फॉल आर्मी वॉर्म्स को हम लोग दूर भगा सकें। अब बुरी खबर की वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पेस्ट अटैक है ये और भी ख़राब हो गया है, जहाँ पे 5309 जो फैमिलीज़ हैं मिज़ोरम के अंदर उन्होंने अपनी क्रॉप भी इंश्योर नहीं करा रखी थी। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर अगर आपकी क्रॉप इंश्योर्ड है, चाहे आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ही क्यों ना होते हों, फिर भी आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे साइंटिफिक यहाँ पर सर्वे करने के बाद। बट यहाँ पर जो मिज़ोरम के फार्मर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको इंश्योर भी नहीं कराया हुआ था। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पर रैट इंड्यूस्ड फेमीन हम लोगों ने देखा था 1960s के अंदर, उसी तरीके से फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक हुआ है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे यहाँ पर जो पेस्ट था उसने अप्रॉक्सीमेटली 3,082.5 million टन्स ऑफ मेज यहाँ पर डैमेज कर दिया था अक्रॉस 2,055 hectares ऑफ लैंड। जो लॉस को कैलकुलेट किया गया तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6.47 crore का था, कैलकुलेटेड एट 21 per kg। तो जो फार्मर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो क्रॉप है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इसलिए इंश्योर नहीं कराई क्योंकि मिजोरम के अंदर अभी तक यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। तो योजनाओं को अनाउंस किया जाता है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। यहाँ पर जब सरकार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यहाँ पे टेंडर निकाल दिए हैं। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर प्राइवेट पार्टनर्स की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे टेंडर के अंदर कोई लोग आए ही नहीं है जिससे मिजोरम के अंदर यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट कराया जा सके, ओके? तो यहाँ पर जो फ्रेश टेंडर हमारे सामने आए, कुछ कंपनी सामने आई हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, बट उनका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार ने उन कंपनीज को एक्सेप्ट नहीं किया। एडिंग अ रीज़न कुड बी अ स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड लो स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स, कि यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं मिजोरम के उनकी थोड़ी प्रोडक्शन कम होती है, लैंड होल्डिंग छोटी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेन मकसद यह है कि इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके टू फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी, या कोई पेस्ट अटैक होता है या कोई डिजीज अटैक होता है उस समय भी यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है। जो प्रिस्क्राइब यूरिया है वो 2% है, दैट इज टू बी पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप, और 1.5% का प्रीमियम है जो कि यहाँ पर रबी क्रॉप के अंदर दिया जाएगा। इन द केस ऑफ एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो प्रीमियम है वो 5% का है। ऑन पेपर्स बात करें कि यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है जो कि सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, और यहाँ पे जो सरकार है वो बैलेंस प्रीमियम का 90% देती है। बट फिर भी देखो सरकार तो कुछ ना कुछ चीज़ें देखेगी कि सरकार का जो बजट है वो एक्सीड ना हो जाए। तो प्राइमरी रीज़न यहाँ पर है बैड सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, कि यहाँ पर जो फार्म प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है और जो फार्मर्स हैं वो उस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। तो एक तो वहाँ पर फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक हुआ है और उसके साथ साथ उनके पास जो क्रॉप जो डैमेज हुई है उनका इंश्योरेंस भी नहीं था। तो यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए कि मिजोरम के फार्मर्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। पेज नंबर 5 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, आफ्टर 29 ईयर्स ऑफ सर्विस विग्रह डी कमीशन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप जिसका नाम है विग्रह उसको डी कमीशन किया गया एट विशाखापट्टनम। ICGS विग्रह ने यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड को सर्व किया है पिछले 29 ईयर्स से। इट वॉज डी कमीशन विद फुल मिलिट्री ऑनर्स एट सनसेट। तो ICGS विग्रह जो कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था एबल माइंडेड वॉरियर का इन द बैटल शिप, उसको कमीशन किया गया था अप्रैल 12, 1919 के अंदर, और इट वॉज द 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसको मेजागन डॉक यार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया था और फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास थी अमंग द OPVs ऑफ द 3rd सीरीज। और ये जो यहाँ पे शिप है इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे बहुत बड़े बड़े मिशन के अंदर, खासकर कोस्ट गार्ड रीजन्स के लिए, चाहे वो वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो या ईस्ट हो। ये मुंबई भी रही, पोरबंदर भी रही, विशाखापट्टनम भी रही, और जो शिप है इट वॉज ऑल्सो ऑन अ ड्राई लीज टू द श्रीलंकन नेवी फ्रॉम August 11, 2008 एंड January 22, 2011। तो इंडिया के साथ साथ यहाँ पे जो हमारी विग्रह है उसने श्रीलंका को भी सर्विस दी थी। इसको री इंडक्ट किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ऑन January 23, आफ्टर विच इट वॉज बेस्ड इन विजाग, इट वॉज बेस्ड इन विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे एक और खबर, अ नेटवर्क ऑफ पार्क्स कैन सपोर्ट बर्ड्स। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्क्स होते हैं नेबरहुड्स के अंदर, जो छोटे छोटे यहाँ पे पार्क बने होते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए होते हैं, लोग वहाँ पे सुबह सुबह एक्सरसाइज करने जाते हैं, उनका अलग अलग डिज़ाइन होता है। बट यहाँ पर एक और बड़ी डिस्कवरी ये हुई है कि इन पर्टिकुलर पार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल हो सकता है कि जो सिटी के जो विंग्ड रेजिडेंट्स हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर साइज़ मैटर नहीं करता है कि पार्क का कितना बड़ा साइज़ है, पर नंबर ऑफ पार्क्स एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने हैं ये ज़रूर मैटर करता है, जिस वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में बर्ड्स की प्रेजेंस हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आती है, बटरफ्लाइज़ की जो प्रेजेंस होती है वो हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आती है। ये चीज़ खोजी गई एक स्टडी के अंदर जिसको किया था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ने। इस चीज़ को पब्लिश किया गया एक जर्नल के अंदर जिसका नाम है +1। रिसर्चर्स ने यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखा, 4 जोन को यहाँ पर कंडक्ट किया गया एक शहर के अंदर। ओके, यहाँ पे देखा गया कि उसके अंदर 11 छोटे छोटे पार्क्स हैं, मीडियम पार्क्स हैं, और वहाँ पे हम लोगों को जब मैपिंग की गई तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आई। बायोडाइवर्सिटी मैपिंग के लिए रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया था यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फॉन्डनेस सर्वे, जहाँ पे उन्होंने रेजिडेंट से पूछा, वॉकर्स से पूछा उन क्रिएचर्स के बारे में जो कि वो पार्क्स में देखते हैं। बर्ड्स और बटरफ्लाइज रैंक्ड हाई इन द 563 सर्वेस, वेल इंसेक्ट्स वर लो ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। बेसिकली यहाँ पर जो पूरा का पूरा हमारे सामने जो एक समरी आई है वो यही है कि पार्क का साइज डिपेंड नहीं करता है, पर कितने पार्क हैं उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो डिपेंड करते हैं, और उसी बेसिस पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है खासकर बर्ड्स की, बटरफ्लाइज की, वो उस रीजन में हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ग्रीन जो कवर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बर्ड्स कहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, बटरफ्लाइज कहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, और पार्क्स उसमें बड़ा सहारा बन के सामने आते हैं। पेज नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं, खबर आपको मिलती है सोर्स ऑफ मल्लापुरम फीवर स्टिल एल्यूसिव। तो यहाँ पे बात हो रही है मल्लापुरम के बारे में, वहाँ पे एक फीवर हमें फैलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये नहीं खोजने को मिल रहा है कि वो फीवर वायरस की वजह से हो रहा है या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इसके अंदर प्रेजेंस है एक एटेनो वायरस की, जिसको ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द इंटेस्टाइन, एंड इट वॉज कन्फर्म्ड इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑफ अ पेशेंट। जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये जापनीज एंसेफेलाइटिस जैसा यहाँ पे कोई चीज़ है,
पर यहाँ पे कुछ हमें केसेस इसके कोझिकोड के अंदर भी देखने को मिले थे एंसेफेलाइटिस के इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। और सिम्टम कैसे देखे गए हैं, हेडेक है, फीवर है, मसल पेन है, डिसोरिएंटेशन है, वोमिटिंग हो रही है। बट यहाँ पे जो केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अभी भी लड़ रहा है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो फीवर आउटब्रेक हो रहा है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो किन कारणों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो लोगों ने जो सिम्टम्स पेश किए हैं उसके अंदर उन्हें कुछ इन्फ्लेमेशन देखने को मिली है। ओके, कुछ के यहाँ पे स्कल लाइनिंग और वर्टिबल कैनल और जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो जो यहाँ पे वायरस के प्रेजेंट बताया जा रहा है जो कि यहाँ पे इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, बट उस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया जा रहा है कि वो किस वजह से हो रहा है। यहाँ पर जापानी इंसेफ्लेटिस से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, पर जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो कि यह वायरस की वजह से फैल रहा है या बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है, हम कोई भी यहाँ पे क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है, इलीगल फोटोकॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ थेफ्ट सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन सुनाया है, बोला है कि अगर आप इलीगली फोटोकॉपी करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वो चोरी की श्रेणी में आएगा। Dishonest and temporary removal of original documents to take photocopies and to further use information amount to theft। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग temporary remove करते हैं original document को इस particular purpose से कि आप उसको replicate कर सकें, उसकी एक copy produce कर सकें कि एक या उससे अलग के medium के अंदर, कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ में आएगा कि आपने किसी की movable property को चुरा लिया है, जिस चीज़ को define किया जाता है section 378 of the Indian Penal Code के अंदर। मेनाइन का ये बड़ा judgment था, judgment ने इस चीज़ को follow किया, to commit a theft one need not to take movable property परमानेंटली आउट ऑफ द पोजेशन, बट यहाँ पे अगर टेम्पररी बेसिस पे भी आउट ऑफ पोजेशन लेकर जाते हैं वो भी उसी चीज़ों के अंदर आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है या ANI है, उनके ऊपर यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने राफेल डील से जो यहाँ पर संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उनको इलीगली लिया और फिर फोटोकॉपी कराई। चाहे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि इन सब चीज़ों को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पेश किया जा सकता है अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, बट अगर इस डिसीजन के हिसाब से देखें तो द हिंदू ने और ANI ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी की है। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है जो कि एक दूसरे से यहाँ पे लिंक होंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपको एक और खबर मिलती है, NIN stands by its report on no onion garlic in its mail। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी जिसने देखा था कि जो मिड डे मील होती हैं उसके अंदर कोई भी ऑनियन का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही गार्लिक का इस्तेमाल होता है जो कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन प्रोवाइड करती है कर्नाटका के स्कूल के अंदर। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर बड़े सवाल ये भी खड़े किए गए कि उनकी जो रिपोर्ट थी वो नॉन साइंटिफिक थी, उन्होंने अच्छी तरीके से फील्ड सर्वे नहीं किया। पर यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कह दिया है कि हमने जो भी सर्वे किया है वो बिल्कुल सही है, हम अपनी बात से नहीं पलटेंगे। यहाँ पे एक ओपन लेटर भी आया फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स कि यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ कर लिया जाए क्योंकि वो सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी से नहीं है, बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन उन पर्टिकुलर चीज़ों पे खड़ा हुआ है। जनवरी 2019 की बात है, कर्नाटका सरकार ने NIN को बोला था कि आप अक्षय पात्रा फाउंडेशन की जो मील है उनका कुछ यहाँ पर सर्वे करें, फूड सेफ्टी का, टेस्ट का, डाइवर्सिटी ऑफ मील का। ओके, और यहाँ पर यही सब देखा गया कि लेस क्वांटिटी ऑफ फूड यहाँ पर कंज्यूम कर रहे थे बच्चे, फूड अनपैलेटेबल था। ओके, और अक्षय पात्रा फाउंडेशन प्रोवाइड्स फूड अंडर गवर्नमेंट्स मिड डे मील स्कीम एट 2,814 स्कूल्स इन दी स्टेट। और NIN का जो रिस्पांस था इस चीज़ को ऐड कर रहा था अपनी रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने कंप्यूट किए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को और भी ज़्यादा देखा गया कि किस खाने के अंदर कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन का यही कहना है कि यहाँ पर उन्होंने बिना फील्ड सर्वे किए हुए ये सारी की सारी रिपोर्ट बना दी है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 12 पे आपको खबर मिलती है, ज़ाय जिनपिंग रिजेक्ट्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी। सबसे पहले ये जो शब्द है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी, ये है क्या? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी असलियत में एक हाइपोथेसिस है जो कि कहती है कि लोगों का जो यहाँ पे कल्चर है, लोगों का जो रिलीजन है, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा पोस्ट कोल्ड वॉर वाले एरा के अंदर। प्रेजेंट ज़ाय जिनपिंग यहाँ पर बात कर रहे थे एशियन सिविलाइजेशन डायलॉग की कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनके अंदर उन्होंने बोला कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी है वो ख़राब है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से अपील करी कि सारे के सारे जो सिविलाइजेशन हैं, सारे के सारे जो देश हैं, वो कोएग्जिस्टेंस और डायलॉग की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ें और हार्मोनियसली यहाँ पर रहें।
यहाँ पे डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स का नाम नहीं लिया प्रेसिडेंट ज़ाय ने अपने एड्रेस के अंदर, पर यहाँ पर बात की गई इक्वालिटी की। और जो कुछ देश यहाँ पर सुपेरियोरिटी दिखाते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जैसे, उनको यहाँ पर रिजेक्ट करने की कोशिश की। मैंने आपको अभी रिसेंटली किस तरीके से हम लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश की थी, है ना। अगर यहाँ पर ज़ाय जिनपिंग जी का कहना है कि अगर कोई अगर ये सोचता है कि उनकी अपनी रेस या उनकी अपनी जो सिविलाइजेशन है वो बाकी लोगों से सुपीरियर है, तो उन चीज़ों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, एक डिजास्ट्रस एक्ट है जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हमें एक दूसरे को इक्वल नज़रों से देखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने खुद के प्राइड को अबेंडन करना चाहिए और अपनी नॉलेज को यहाँ पर डीपन करना चाहिए एक दूसरे की सिविलाइजेशन को समझ के। देखो ये चीज़ें आप अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट करना, ठीक है, सबको इक्वल समझो, रिस्पेक्ट करो, अपने अंदर जो ईगो है, जो प्राइड है, उसको पीछे छोड़ो और अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का यहाँ पर जो रिमार्क था वो डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर था कि यूएस किसी तरीके से यहाँ पर सिविलाइजेशन को यहाँ पर डिवाइड करके खुद को रूल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो रिफ्ट चल रहा है इस समय चाइना और यूएस के बीच में, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का मुद्दा है जो भी आज की डेट में मीटिंग हो रही है। यहाँ पे बात की गई यूएस और चाइना के कॉम्पिटिशन रेट करते हुए कि द फाइट विद अ रियली डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। यूएस और चाइना दोनों ही अलग अलग सिविलाइजेशन हैं, अलग अलग यहाँ पे आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों देशों के बीच में हमें एक राइवलरी देखने को मिल रही है। ओके, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच में फाइट है। तो ज़ाय जिनपिंग का यही कहना था कि वेरियस सिविलाइजेशन आर नॉट डेस्टाइंड टू क्लैश, और हम लोगों को यहाँ पर एक शेयर्ड कम्युनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है एशियन सिविलाइजेशन डायलॉग के बारे में जानना। बेसिकली जो आइडिया है इस सिविलाइजेशन डायलॉग का, उसको पहली बार ज़ाय जिनपिंग जी ने ही यहाँ पर प्रपोज किया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, जो कि शंघाई चाइना 2014 के अंदर हुई थी। उसके बाद बोआव फोरम हुई थी फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 2015, और कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इनिशिएट किया गया था बाय चाइनीज प्रेसिडेंट ज़ाय जिनपिंग। 2016 के अंदर भी जो BFA का सेशन था, डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन को उस समय कंडक्ट किया गया। गेस्ट यहाँ पर चाइना, सिंगापुर, पाकिस्तान, ईरान और यूनेस्को ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर डायलॉग के अंदर। जो कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर 15th ऑफ मई 2019 से यहाँ पे स्टार्ट हो गई इन बीजिंग चाइना, एज पार्ट ऑफ सीडेक जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है पैरेलल लाइंस पे। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस पे जो मेन चीज़ है वो है सेफ गार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। तो मेन मकसद ये है कि इंटरकल्चर डायलॉग यहाँ पे बढ़ सके, हम लोग एक सिंगल एशियन कम्युनिटी और शेयर्ड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके। मेन फोकस है कल्चर डाइवर्सिटी, आपस में यहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज करना, म्यूचुअल लर्निंग की तरफ आगे बढ़ना और जो एशियन रिच कल्चरल लिविंग है उसको एनहेंस करना। जो थीम है सीडेक का वो है एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग एशियन सिविलाइजेशन एंड अ कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर। तो यहाँ पे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जिस तरीके से चाइना एशियन फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बट क्या होता है कि चाइना किसी भी चीज़ से आगे बढ़ता है, बात करता है चाहे वो सिविलाइजेशन की हो या किसी चीज़ की हो, पर यहाँ पे चाइना का एक अपना खुद का इंटरेस्ट यहाँ पर बाद में डेवलप हो जाता है जो कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे 47 एशियन एंड वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें हेड ऑफ स्टेट भी होने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने वाले हैं, हाई लेवल गवर्नमेंट डेलीगेट्स होने वाले हैं फ्रॉम द यूनेस्को। इसके साथ साथ एशियन सिविलाइजेशन वीक चल रहा है, इसके अंदर एशियन सिविलाइजेशन टूर, टूरिज्म फेयर, ऐसी चीज़ें कराई जाएंगी। की डिस्कशन यहाँ पे उन्हें डायलॉग पे होगा कि एशियन गवर्नेंस में हमें क्या क्या करें, और सबसे बड़ा तो यहाँ पर मुद्दा बेसिकली यूएस और चाइना के बीच में चलती हुई ट्रेड वॉर ही है। तो जो सीडेक है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे यंग लोग, लोकल कम्युनिटीज़, मीडिया, फोरम्स आपस में आके बातचीत कर सकें, और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की माने तो इसको फिफ्थ पिलर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पे आपको खबर मिलती है RBI इन्वेस्ट्स फोरफोल्ड ग्रोथ इन डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय 2021। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया पेमेंट सिस्टम विजन 2021,
और यहाँ पे आरबीआई का टारगेट है कि 4 गुना हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर आगे आने वाले 2 सालों के अंदर। पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2019 टू 2021 ने यहाँ पर इस चीज़ को पेश किया। मेन गोल हमारा यही है कि हम लोग अचीव करेंगे हाईली डिजिटल एंड कैश लाइट सोसाइटी, जहाँ पे जो कैश का इस्तेमाल हो वो थोड़ा सा कम हो। 36 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट इसके अंदर बताए गए हैं, 12 स्पेसिफिक आउटकम्स आए हैं। मेन यहाँ पर जो गोल है वो है 4 C's का। 4 C's हैं कॉम्पिटिशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है, खासकर रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एज वेल एज अवेलेबिलिटी के टर्म्स में भी 35% ग्रोथ यहाँ पर टारगेट की गई है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर थ्रू इंक्रीज इन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। पर कुछ ही दिनों पहले मैंने अभी आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो पॉइंट ऑफ सेल है उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज भी वो 3G पे चल रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जब आज की ज़माना यहाँ पे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का आ चुका है। यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो इस्तेमाल है, ये एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कम से कम 44% यहाँ पर टोटल डेबिट कार्ड जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके अंदर यहाँ पर POS का हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, और यहाँ पे जो कैश इन सर्कुलेशन है वो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पेज नंबर 14 आपको खबर मिलती है, TRA अनवील्स AI टूल टू इम्प्रूव टी क्वालिटी। तो यहाँ पे टी रिसर्च एसोसिएशन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को, जिसका मेन मकसद है कि यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। टी की टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया है TRA ने एग नेक्स्ट कंपनी के साथ। एग नेक्स्ट एक स्टार्टअप है जो कि IIT खड़गपुर के अंदर इंक्यूबेटेड है, और जो मशीन इन्होंने बनाई है वो है TRA एग नेक्स्ट क्वालिटी प्रोफाइलर QTP क्वालिटी प्रोफाइलर। इसको डेवलप किया गया थ्रू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से जो फाइन लीफ हैं, बहुत अच्छी जो पत्तियां हैं यहाँ पे चाय के बैच की, उनको डिटरमाइन किया जा सके बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। इस एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और समय की भी यहाँ पर बचत होगी। फाइन लीफ काउंट की बात करें तो उसकी मदद से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस लीफ के अंदर यहाँ पर 2 या 3 लीव्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर बर्ड कितनी प्रेजेंट है, जिनके बेसिस पे टी की यहाँ पे जो लीव्स होती हैं उनकी क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। TRA आज की डेट में ये भी प्लान कर रहा है कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से और भी चीज़ें अचीव कर सके, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैटबॉट्स हो, सेंसर बेस्ड मशीनरी सिस्टम हो, जो पुरानी जो इंडस्ट्री थी उनको यहाँ पर नए जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जाए। जो हम लोग बात करें तो जो प्रोवर्बल 2 लीव्स होती हैं या बर्ड होती हैं या 3 लीव्स एक बर्ड होती है, वो यहाँ पर क्रूशियल होता है टी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे TRA एग्नेस्ट QTP जो मशीन है वो काम करेगी, और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 2 लाख रुपीज़ होने वाली है, और मोबाइल ऐप वर्जन भी यहाँ पर आएगा फॉर क्वालिटी लीफ प्रोफाइलिंग। पेज 18 पे आपको ये एक सुंदर तस्वीर मिलती है। अब इस तस्वीर में खास बात क्या है, आपको यहाँ पे किसी भी प्लेयर की शेडो नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे किसी भी प्लेयर की कोई भी शेडो नहीं है। अगर कोई प्लेयर जंप करेगा तो भी उसको नीचे अपनी शेडो नहीं दिखाई दे रही होगी। मुंबई ने एक्सपीरियंस किया एक फेनोमेना जिसको जीरो शेडो डे के रूप में हम लोग जानते हैं, जहाँ पर सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, बिल्कुल सर के ऊपर होता है एट अराउंड द नून। तो यहाँ पे जीरो शेडो जोन क्या होता है, बेसिकली इसे सब सोलर पॉइंट भी कहते हैं। सब सोलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, पर्टिकुलरली किसी एक लैटिट्यूड के ऊपर। When the sun at this particular zenith अपने sky के highest point पे होता है, उसकी जो rays होती हैं जो कि hit करती हैं एक particular point को, वो exactly perpendicular होती हैं surface के। जब surface के perpendicular होती हैं तो उस वजह से जो shadow होती है वो नहीं दिखाई देती है, और shadow बिल्कुल exactly अपने ही नीचे होती है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई shadow ही नहीं है। अगर आप हल्का सा जंप लोगे तो ही आप लोगों को थोड़ी सी शेडो नजर आएगी, और यहाँ पर इट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, एक साल में सिर्फ 2 ही बार ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। पेज 18 पे आपको एक और यहाँ पे तस्वीर मिलती है, और ये थोड़ी सी एक सुंदर तस्वीर है पर एक क्रिएचर की है। ओके, दिस डायनासोर हैड बैट लाइक विंग्स। यहाँ पे जो पैलियोनोलॉजिस्ट हैं चाइना के अंदर, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया, उन्होंने डिस्कवर कर लिया है एक ऐसे डायनासोर को जिसके अंदर इसी जिसके पास इसी तरीके के विंग्स थे जिस तरीके से बैट्स के पास होते हैं, और वो आसानी से आसमान में उड़ान भी भर सकता था। इस डायनासोर का नाम बताया गया एम्बोट्रिक्स लॉन्गी ब्रैचियम, जो कि 163 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे रहा था,
और उसके बाद यहाँ पर वो भी विलुप्त हो गया डायनासोर्स के साथ। बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो भी इसी पर्टिकुलर डायनासोर्स से ही हम लोगों के लिए सामने आई है। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।